अब मैं बुलाती हूँ फ्लोर पे राजन कल्होत्रा को. गुड लक राजन. और नेक्स्ट अब आ रही है राजन कल्होत्रा. कल्होत्रा 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 कल्होत्रा. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा आवारा, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा वेरी वेल डन राजन, बहुत ही अच्छा किया आपने. और अब सीधा चलते हैं प्रिया मैम के पास और जानते हैं उनके कमेंट्स. तुमने चापलूसी में कोई कसर मत छोड़ना. मतलब कि पूरी की पूरा जो पैकेज था वो सुना था. मतलब कि इट्स लाइक फूल उड़ा रहे हो और जजेस को वो कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे मार्क दो. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट वॉज यू हैव सेट एन एग्जाम्पल. आज का जो जितना भी तुम्हारा तुमने परफॉर्मेंस दिया, तुमने एक एग्जाम्पल सेट किया इस मंच पे कि ऐसा भी कर सकते हैं हम. यू हैव शोन अस डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट मूव्स, किस तरह से बीट को यूज़ करके एक्सप्रेशंस को कायम रख के आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं. यू हैव शोन दैट एंड गॉड ब्लेस यू. भगवान करे आप और आगे बढ़ें, आपकी बहुत तरक्की हो और मैं दिल से खुश हूँ आपके परफॉर्मेंस देख. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. तो प्रिया मैम के अच्छे अच्छे कमेंट्स के बाद अब जानते हैं कि धर्मेश सर को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी. मैंने भी इस परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय किया है. राजन पिछली कुछ परफॉर्मेंस से बेटर थी. आपने बड़ा अच्छा खूबसूरती से कुछ ऐसे जो क्या कहेंगे हम स्टाइल जो जो आपने यूज किए हैं अच्छा लगा मुझे. बहुत अच्छा लगा. इट वॉज नॉट स्टीरियोटाइप. बिल्कुल बिल्कुल. नेचुरल में अगर बात करेंगे इट वॉज नॉट स्टीरियोटाइप. बिल्कुल. It was good. Okay. Thank you, sir. और जो मेरी एंकरिंग के जो पोर्शंस ने इसकी परफॉर्मेंस को एड ऑन किया तो उनके लिए कोई कमेंट्स जजेस की तरफ से. राजन तो थैंक मुझे बोल ही रहा है थैंक यू. यू आर माइंड ब्लोइंग. आपकी वजह से हमारा प्रोग्राम में वो चार चांद लग रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू जजेस. किसी भी प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए एक एंकर का बहुत बड़ा हाथ होता है. वो अगर मतलब प्रोग्राम को चाहे तो कहीं ले जा सकता है. तो यू आर डूइंग वेरी वेल. बहुत मजा आ रहा आपके साथ. आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट एंड थैंक यू जजेस एंड थैंक यू राजन फॉर नेक्स्ट टाइम.